हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आए हैं CST रेलवे स्टेशन के पास में, जो एक एग्जीबिशन चल रहा है काला घोड़ा। और काला घोड़े का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक एग्जीबिशन चल रहा है। तो आज यहाँ पे मैं अंदर जाने के बाद में हम देखेंगे यहाँ का पूरा, बहुत सारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से हैं, आइटम्स आए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर यहाँ पे जाने के बाद में दिखाई देगा। बच्चों के लिए, सेल्फी वगैरह के लिए कुछ एंटिक पीसेस यहाँ पे बनाया गया है। तो अंदर क्या क्या है, चलो हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये काला घोड़े का अंदर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके अंदर में आपको क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं काला घोड़ा, और काले घोड़े के यहाँ पे हम लोग एक एग्जीबिशन चल रहा है, और उस एग्जीबिशन में अभी हम लोग आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बतला दूँ, बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई है, तरह तरह की स्टॉल्स है, और बहुत सारी बच्चे लोग के लिए भी कुछ यहाँ पे आइटम्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं। और स्टॉल से देखोगे आपको यहाँ पे हर जगह के, दिल्ली है, सिंगापुर है, और मतलब हर जगह के स्टॉल्स यहाँ पे आपको इस तरीके से नज़र आएगा, और लोग यहाँ पे आपको ख़रीदी करते हुए भी नज़र आएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो एंटिक चीज़ें यहाँ पे बना के लगाया गया है, ये देखिए ये सब एंटिक चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं अंदर जाके। और ये देखिए एक मैचिस का है, यहाँ पे कुछ मैच का लगाया है, मैच बॉक्स सब बनाया गया है मैच बॉक्स से। और ये बड़ी सी गाड़ी है यहाँ पे, ये देखिए इसी गाड़ी इधर पे देखिए, यहाँ पे एक और ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है लकड़ी का घोड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ बनाए, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी बहुत लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और बैठने के लिए देखिए स्टॉल्स यहाँ पे बने हैं, जहाँ पे लोग आराम करते हैं। चलते चलते अगर आप थक जाते हो तो यहाँ पे बैठ के आप आराम कर सकते हो। और यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाने पीने के पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और ये देखते हैं हम लोग ये क्या चीज़ है, यहाँ पर रिक्शा बनाया, देखिए यहाँ पर ये जो कि ऑटो रिक्शा, रिक्शा लोडिंग रिक्शा, लेकिन ये दूर से देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर हम लोग करीब से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ये है ऑटो रिक्शा, ये देखिए। और ये राउंड कुछ बनाया है, जो कि यहाँ पे कुछ होने, लेकिन सब गाड़ी गाड़ी के इसके अंदर में फोटोज लगे हैं, फोटो दिए हैं सब गाड़ी के। इस साइड से अगर हम लोग चलते हैं इस बाजू से, तो सारे क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट के सब है दुकानें। मैं थोड़ा सा झूम करके दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे कर्नाटक के है, सिंगापुर के, उत्तर प्रदेश के, और पश्चिम बंगाल के, बहुत सारी जगह के अलग अलग बैग्स है यहाँ पे, और अलग अलग आइटम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत है। आप जब आते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, और जो भी लेना है आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हो। यहाँ देखिए ये कुछ मूर्ति वगैरह भी बनाया गया है, और ये है राजस्थान की, देखिए राजस्थान की कला यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, राजस्थान में यहाँ पे सब महिला प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। बड़ा के
चलेगा। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइन के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और आप अगर देखोगे तो ये देखिए हैशटैग है, हैशटैग बनाया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे दिस आर्ट इज मेड अप टू प्लास्टिक वेस्ट यूनिट बाई सिटीजन्स। यहाँ देखिए जो प्लास्टिक के बॉटल्स हम लोग फेंक देते हैं, और उस बॉटल्स को देखो यहाँ पे किस तरीके से ट्री करके बना के बताया गया है, देखिए सब कलर करके एकदम ट्री है, और पूरा एक पेड़ एक झाड़ बना के दिखाया गया है कि वेस्टेज चीज़ भी काम में आ सकती है। और काले घोड़े पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अंदर है सफ़ेद घोड़ा, और बहुत ही खूबसूरत है। ये दो है यहाँ पे, एक पास देखिए ये ऊपर दिन भर धूप भी नहीं रहे यहाँ दिन भर, और एक ये देखिए यहाँ पे एक साइड धूप रहे एक साइड दो हाउस है, और देखने वालों की और सेल्फी लेने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखिए हर आदमी चाहता है कि घोड़े के सामने उसकी सेल्फी वगैरह आ जाए, लेकिन यहाँ पे दूर से दिखा दूँ मैं कि लोग कैसे खड़े हैं। ये देखिए ये सब दो घोड़े यहाँ पे सफ़ेद, दोनों सफ़ेद है, और देखिए इस पे एक बच्चा बैठा है, और एक ये है, और यहाँ पे लोग खड़े हैं। और सेकंड साइड पे अगर हम लोग जाते हैं तो सेकंड साइड पे ये सारे स्टॉल से लोग भरपूर मज़ा ले रहे हैं, यहाँ का फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ख़रीदार करने वाले खरीदी भी कर रहे हैं। तो हर स्टॉल पे आपको रश दिखेगा, हर स्टॉल पे आपको गर्दी दिखेगी। ये देखिए और सेल्फी और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले की तो मज़ा हो गई है, क्योंकि जगह जगह पे कुछ एक ऐसे एंटिक चीज़ें दिखे यहाँ पे ये बनाया गया था जो आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे बनाया गया है जो लोग बार 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 सेल्फी वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ देखिए ये है सब हैंडक्राफ्ट के हैं, ये टी शर्ट्स वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रही है, किसी को पता नहीं है ये क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन लोग सेल्फी वीडियोग्राफी फोटो के चौस पास लगे पड़े, लेकिन क्या चीज़ है किसी को पता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कलम सिल्क है यहाँ पे, जो कि छत्तीसगढ़ राजस्थान उत्तर प्रदेश के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। और एक देखिए फ्लाइंग कार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए जिसके सामने लोग खड़े होके इस तरीके से फोटोज सेल्फीज वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं। फ्लाइंग कार है ये, और ये हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, उधर भी देखिए स्टॉल्स लगे हैं, इस साइड में भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, कपड़े के बच्चों के आइटम्स हैं। और ये पता नहीं प्लीज़ गिफ्ट स्टैंड्स यहाँ पे बनाया है, ये पेड़ यानी कि झाड़ को काट के इसको बनाया गया है। ये देखिए कार में बहुत ज़्यादा रस है, लोग बहुत खड़े हैं, लोग कार फ्लाइंग कार बना दिया है वहाँ पे बहुत लश्क है। और एक हॉर्स देखिए मतलब घोड़ा जो कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे ये एक हॉर्स है, घोड़ा है बहुत ज़बरदस्त, और एक ब्लैक भी है यहाँ पे, आपको मैं दिखा दूँ एक ब्लैक है और एक यहाँ पे हॉर्स देखिए ये वाला है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई। और ये गोल्डन है, और खाने पीने के स्टॉल्स देखिए साइड में लगे हैं, ये साइड में है, अगर आप नाश्ता वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल से यहाँ पे जाके आप नाश्ता पानी वगैरह आप कर सकते हो। छोटा सा बच्चों के लिए फिसल गुंडी देखिए बनाया गया है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये देखिए छोटे बच्चे लोग के लिए है, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे कुछ है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, हु ओन्स द फ्यूचर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर में सब बाउंड्री बनाया है, और रेफ्रेशन एंटीटी टू कंट्रोल दिल्ली, इसके अंदर कुछ किट्स वगैरह है, पता नहीं क्या चीज़ का किट्स है, ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दिया। ये देखिए मैं थोड़ा सा खाने की झूम करके दिखा दूँगा आपको कि खाने की स्टॉल्स कहाँ पे और कैसे लगे हैं। ये देखिए
क्योंकि वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो दुकानें दिख रही है ये पीछे साइड में, बैक साइड में, और ये सब खाने पीने की दुकान है। सब नाश्ता है, खाना है, पीना है, आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा है, ताकि मैं इस तरीके के नए वीडियो आपको देता रहूं, बनाता रहूं और आप देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। सी यू अगेन, अपना ख्याल रखिए।